हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्नेहा। और आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। अलग अलग जगहों पे हमें बिरयानी के अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इंडिया में करीब 26 से भी ज़्यादा टाइप्स की बिरयानी बनाई जाती है, जिसमें से आज हम हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बनाने वाले हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1/2 kg चावल लिया है। अब इसे धोकर हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसे मैंने धो लिया है और 15 से 20 मिनट तक इसे भिगो कर रखेंगे और चिकन मैरिनेट करेंगे। मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। अब इसमें नमक डालेंगे, लगभग 2 चम्मच नमक डालेंगे, फिर 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 250 से 300 ग्राम दही डालेंगे, 1/4 हरी मिर्च और लगभग 1/2 कप धनिया पुदीना के पत्ते। अब मैंने 5 प्याज को रिफाइन ऑयल में गोल्डन फ्राई कर लिया है। इसमें से 3/4 मैं इसमें डालूंगी, लगभग 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। चलिए मैं आपको पहले इसकी रेसिपी दे देती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है करीब 20 हरी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 1 चम्मच लौंग, थोड़ी दालचीनी, 3 स्टार एनिस, 3 तेज़पत्ता, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच शाही जीरा और 1 छोटा चम्मच जावित्री। अगर आपके पास जाफर हो तो आप वो भी ऐड करें। मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। इन सबको हमें मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेना है। इन मसालों को आप किसी भी वेज नॉन वेज करी में भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको हम पीस लेंगे और इसका पाउडर मैंने बना लिया है। अब 1 छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। ये रिफाइंड ऑयल है जिसमें मैंने अभी अनियन फ्राई किया था, करीब 1/2 कटोरी रिफाइंड ऑयल है ये। और इन सबको हमें मिक्स करना है। अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लीजिए और इसे मैरिनेट होने के लिए 1/2 से 1 घंटे के लिए छोड़िए। दूसरी तरफ हम पानी गर्म कर लेते हैं। मैंने 3 से 4 लीटर पानी लिया है। उसमें 2 तेज़पत्ता, थोड़ी दालचीनी, 1 स्टार एनिस, 1 जावित्री का टुकड़ा, 4-5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग, लगभग 1 छोटा चम्मच शाही जीरा, 3 हरी मिर्च और 1 चम्मच नमक। सबको हमें अच्छी तरह उबलने देना है। अब गैस ऑन करते हैं। चिकन मैरिनेट हो चुका है तो इसे एक बड़े बर्तन में डाल देंगे जिसमें हम बिरयानी बनाने वाले हैं। और चिकन को हमें भूनना है लगभग 10 से 15 मिनट तक। इसे मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर पकने देंगे। दूसरी तरफ पानी उबल चुका है। अच्छी तरह उबलने के बाद इसमें हम भीगे हुए चावल डाल देंगे और इसे हमें पूरा नहीं पकाना है, 70-80% इसे कुक करना है। अब इसमें थोड़ा धनिया और पुदीना डालेंगे, लगभग 1 छोटा चम्मच घी डालकर बंद करेंगे। अब चिकन को चेक करते हैं, थोड़ी देर इसे और भुनना है। वापस ढक्कन लगा देते हैं और इसे पकने देते हैं। चावल हो चुका है, चेक करके देखते हैं, इसे टेस्ट करके देखिए कि नमक इसमें सही है कि नहीं। अब इसका पानी अलग कर लेंगे और चावल रेडी हो चुका है और इधर चिकन भी रेडी हो चुका है। लगभग 70-80% चिकन पक चुका है। और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब गैस बंद करेंगे और 1/2 चिकन को दूसरे डिश में निकाल लेंगे और 1/2 हम इसमें ही रहने देंगे।
अब हमें लेयरिंग करनी है, तो इसके ऊपर हम पहले आधा चावल डालेंगे, इस तरह उसे फैला देंगे। अब इसके ऊपर थोड़े से फ्राइड अनियन डालेंगे जिसे मैंने बचा कर रखा हुआ था, थोड़ा हरा धनिया और पुदीना, और थोड़ा गरम मसाला जो मैंने अभी पीसा था, लगभग आधा कप हल्के गरम दूध में केसर डालकर उसे भिगो लेंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। फिर इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे और एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे, और अब बचा हुआ पूरा चिकन डालेंगे। इस तरह सबको फैला देंगे। अब चावल का दूसरा लेयर इसके ऊपर डालेंगे, चावल को भी अच्छी तरह फैला देंगे। बर्तन को एकदम ऊपर तक ना भरे, थोड़ा खाली ही रहने दे ताकि वो अच्छी तरह पक सके। अब इसके ऊपर वापस फ्राइड अनियन डालेंगे, थोड़ा धनिया और पुदीना के पत्ते, लगभग आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, और बचा हुआ सारा केसर वाला दूध डाल देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये चावल का पानी है जिसमें मैंने चावल उबाला था, ये बिरयानी को एक अच्छा मॉइस्चर और टेस्ट भी अच्छा देगा। अब इसके ऊपर वापस एक चम्मच घी डालेंगे और लिड बंद करते हैं। ये नॉर्मल रोटी का आटा है, अब इसे इस तरह करेंगे और इसे पॉट के चारों तरफ इस तरह सील कर देंगे। सब तरफ अच्छी तरह सील कर लेंगे। ऊपर भी सील कर देंगे और अब इसे 20 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। बीस मिनट हो चुके हैं और बिरयानी पक चुकी है, गैस बंद करते हैं। लेकिन अभी हमें लिड नहीं खोलना है, 15-20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ेंगे, और एक नाइफ की हेल्प से अब हम इसे खोलेंगे। इस तरह आराम से नाइफ बीच में डालिए और लिड हटाते हैं। और चलिए अब बिरयानी को सर्व करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मुझे, और चावल के दाने भी बिल्कुल अलग है, बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने एक्सपीरियंस और सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।